Hello everyone, greetings. I hope you are doing well. Today I am going to discuss about the Apgar score. Apgar score है जो 1952 में वर्जीनिया हैंडरसन ने इंट्रोड्यूस किया था. ये जो Apgar score है वो हमको दो बार टेस्ट करना पड़ता है, 1 minute after birth and 5 minutes after birth. ये जो 1 minute वाला score है हमको क्या बताता है कि जो बेबी है वो बर्थिंग प्रोसेस के दरमियान कितनी अच्छी तरह से सेटल हुई है, और ये जो 5 मिनट वाला स्कोर है हमको क्या बताता है कि बच्ची है वो जो आउटर एनवायरनमेंट में कैसे एडजस्ट हो रही है. जनरली Apgar स्कोर टेस्ट कैन बी डन बाय डॉक्टर, मिडवाइफ और नर्सिस. तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर जनरली एग्जामिन द बेबी इन द फॉलोइंग 5 क्राइटेरिया. फर्स्ट वन इज ए ब्रीथिंग एफर्ट, हार्ट रेट, मसल स्टोन, रिफ्लेक्सिस एंड स्किन कलर. Here each category has a 3 score, 0, 1 and 2. Now how to assess breathing effort? If infant has no breathing, you can give them a 0 score. If there is a slow and irregular respiration, you can give them a 1 score. If baby cries well, you can give them a 2 score. Now second criteria is heartbeat. Heartbeat always assessed by the use of the stethoscope. If there is a no heartbeat, you can give them 0 score. If heartbeat less than 100, you can give them 1 score. If the heart is greater than 100, you can give them 2 score. Now, how to assess muscle stone? If muscles are loose and floppy, you can give 0 score. If there is some muscle stone, you can give 1 score. If muscles are active, then you can give them 2 score. Now, how to assess grimace response or reflex irritability? इसके लिए हमको क्या करना होता है, न्यूबॉर्न को माइल्ड स्टिमुलेशन देना पड़ता है, यानी कि माइल्ड पिंच करना होता है. उसके बाद उसका कौन सा रिएक्शन होता है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, उसको स्कोर देते. सपोज देर इज नो रिएक्शन, यू कैन गिव देम 0 स्कोर. इफ देर इज ए ग्रिमिशिंग, यू कैन गिव देम 1 स्कोर. इफ बेबी इज फुली क्राई, यू कैन गिव देम 2 स्कोर. नाउ लास्ट क्राइटेरिया इज ए स्किन कलर. इसके लिए ऑब्जर्वेशन ऑफ द न्यूबॉर्न इज रिक्वायर्ड. इफ अगर स्किन कलर पेल ब्लू है तो आप उसको 0 स्कोर दे सकते हैं. अगर बॉडी पिंक है एंड एक्सट्रीमिटी ब्लू है तो आप उसको 1 स्कोर दे सकते हैं. अगर एंटायर बॉडी पिंक है तो आप उसको 2 स्कोर दे सकते हैं. नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाई शुड वी परफॉर्म दिस टेस्ट. तो यह टेस्ट करने से हमको क्या पता चलता है, यह टेस्ट करने के बाद वी आर एबल टू डिटरमाइन वेदर ए न्यूबॉर्न नीड्स हेल्प इन ब्रीदिंग और इज हैविंग ए हार्ट ट्रबल. नाउ वॉट अबाउट द नॉर्मल रिजल्ट. इट इज़ जनरली बेस्ड ऑन द टोटल स्कोर ऑफ 1 to 10. As we all know, the higher the score, the better the baby is doing after birth. Generally, क्या होता है 7, 8, 9 score को हम normal मानते हैं, right? और यह क्या बताता है कि newborn है उसकी health कैसी है, अच्छी है. और कोई score 10 आ जाता है मानिए, तो उसको generally हम क्या बोलते हैं, unusual है और real में नहीं है. क्योंकि कोई भी newborn है जब external environment में आता है, right? तो उसकी जो हैंड्स और फीट है वो थोड़े ब्लू हो जाते हैं, इसके कारण इन्फेंट का 1 पॉइंट माइनस हो जाता है. नाउ थिंक अबाउट द एबनॉर्मल रिजल्ट. एबनॉर्मल रिजल्ट क्या है, स्कोर बिलो 7. और ये क्यों होता है, क्योंकि बेबी है जो आउटसाइड एनवायरनमेंट में सेटल नहीं हो रही है और इसके लिए उसको इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है. नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लो Apgar स्कोर. टेक एग्जाम्पल डिफिकल्ट बर्थ, सीजरियन सेक्शन, फ्लूड इन द बेबीज एयरवे. Now question is that how to take care of the baby with the low Apgar score. सबसे पहले क्या करें, always maintain airway, give them oxygen, provide them physical stimulus to increase the heartbeat. Generally क्या होता है, कोई भी low score होता है 1 मिनट में वो 5 मिनट में क्या होता है, near to normal हो ही जाता है. I hope you are able to understand the Apgar score. Thank you very much. See you soon with the new video.